दोस्तों फ़ोन फटना आजकल आम बात हो गया है। अभी अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि Xiaomi का Redmi Note 4 जो इस साल का सबसे पॉपुलर फ़ोन है ये अभी फट गया है बंगलुरु में। मैं इस वीडियो में आपको इसी फ़ोन का ब्लास्ट होने का एक लाइव फुटेज दिखाने वाला हूँ। दोस्तों चलिए देखते हैं क्या हुआ इस हादसे में। तो अर्जुन नाम के एक आदमी इस फ़ोन के ओनर हैं। उन्हें इस फ़ोन में सिम इंसर्ट करवाने में थोड़ा प्रॉब्लम आता था, जिसे दिखवाने के लिए वो पास वाले एक मोबाइल शॉप में गए जहां पे ये हादसा हुआ। दोस्तों इस हादसे के बाद वो आदमी सडनली Xiaomi इंडिया को ये मैटर के बारे में रिपोर्ट किए। इसके एक दिन बाद Xiaomi इंडिया ने उनको एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया, जहाँ पे Xiaomi इंडिया ने इस प्रोडक्ट के बदले उनको एक नया Redmi Note 4 प्रोवाइड कर दिया है। दोस्तों Xiaomi ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि इस फ़ोन में क्या डिफेक्ट था, क्या दिक्कत थी जिसके वजह से ये फ़ोन फट गया। दोस्तों ये थी पूरी जानकारी Redmi Note 4 के ब्लास्ट के बारे में। इस हादसे के बाद मैं केवल आपको ये बोलूँगा कि अगर आप एक स्मार्टफोन यूज़र हैं तो आपकी स्मार्टफोन की सेफ्टी गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए और स्मार्टफोन ज़्यादा हीट होने तक यूज़ मत कीजिए। दोस्तों ये थी कंप्लीट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक कीजिए और लास्ट में मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। जय।